हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेश मूवी की, जो एक कैनिबल बेस्ड हॉरर कहानी है। लेकिन मूवी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है नोआ नाम की एक लड़की से, जो आज उसके बॉयफ्रेंड को पहली बार डेट करने आई है। नोआ इस बारे में अपनी दोस्त मॉली को बताती है और थोड़ा हंसी मजाक करती है। वो लड़का वहाँ आता है पर नोआ को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ा अजीब और अनहाइजीनिक है। इसलिए नोआ बाहर आकर निकलकर उससे मना कर देती है, जिस पर वो लड़का उसे काफ़ी खड़ी खोटी सुनाता है और नोआ को इससे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद अगले दिन नोआ मॉली को सारी बात बताती है। इसके बाद दिखाया जाता है नोआ कुछ काम कर रही होती है और डेटिंग साइट पर कुछ सर्च भी कर रही होती है, जहाँ उसे काफ़ी अजीब मैच दिखते हैं। इसके बाद नोआ सुपरमार्केट जाती है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम स्टीव होता है। वो नोआ से मजाक करते हुए बातें करता है और नोआ को ये काफ़ी अच्छा लगता है और दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ये सारी बात नोआ मॉली को बताती है और वो नोआ को डेटिंग करने को बोलती है। इधर स्टीव नोआ को डेट के लिए पूछता है। दोनों डेट पर जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। नोआ बताती है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है और वो उसकी माँ के साथ नहीं रहती। स्टीव बताता है कि वो पेशे से डॉक्टर है। इसके बाद नोआ को स्टीव किस करती है और दोनों नोआ के घर जाते हैं। वहाँ वो इंटीमेट होते हैं। अगले दिन नोआ जागती है और वो स्टीव से बहुत खुश होती है। वो सोते टाइम उसकी एक पिक्चर भी क्लिक कर लेती है। कुछ देर बाद शावर लेते टाइम वो मॉली को स्टीव के बारे में बताती है और कहती है वो बहुत प्राइवेट इंसान है, इसलिए सोशल मीडिया पर नहीं है। ये बात मॉली को काफ़ी अजीब लगती है। वो उसे सावधान रहने को बोलती है पर नोआ प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो उसे मजाक में ले लेती है। सुबह दिखाया जाता है कि नोआ बहुत खुश है और स्टीव भी नोआ को लेकर काफ़ी खुश है। दोनों यहाँ मस्ती करते हैं। फिर स्टीव नोआ को एक सरप्राइज टिप ऑफर करता है। वो मान जाती है और मॉली को बताती है, लेकिन मॉली को ये थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद ये दोनों अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं, जो एक कॉटेज होता है। ये दोनों कुछ टाइम में यहाँ पहुँच जाते हैं और ये कॉटेज एक सुनसान जगह पे अकेले में होता है। यहाँ पे ये दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। नोआ बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ड्रिंक पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और होश आने पर वो देखती है उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। स्टीव सामने बैठा है और वो बताता है कि उसने नोआ को ड्रग्स दिया है। इस बात से नोआ बहुत डर जाती है। अब स्टीव उसे अपना असली प्लान बताता है कि वो उसका मीट सेल करने वाला है, इसलिए वो जब तक चुप रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोआ को बगल के रूम से एक लड़की की आवाज़ आती है, उसका नाम पेनी होता है, जो नोआ को बताती है कि उसे भी स्टीव ऐसे ही लेकर आया था। इन दोनों के अलावा वहाँ एक और लड़की मेलिसा थी, जिसे स्टीव ने आधा काट दिया था। वो अब पागल भी हो चुकी थी। इधर मॉली को स्टीव नोआ के फ़ोन से रिप्लाई करता है कि वहाँ नेटवर्क इशू है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं, और एक इमेज भी शेयर करता है। पर मॉली को यकीन नहीं होता। वो इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे स्टीव के बारे में कुछ नहीं मिलता और वो पिक्चर भी एक गूगल इमेज थी। अब मॉली समझ जाती है कि नोआ प्रॉब्लम में है। इसके बाद दिखाया जाता है स्टीव उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को पीसेस में काट देता है और उनके कपड़े एक अलग बॉक्स में रखकर पैक कर देता है और एक आदमी के साथ क्लाइंट के पास भेज देता है। अब हमें क्लाइंट को दिखाया जाता है, जिसके रिस्ट वॉच पर एक डेविल का सिंबल है, जो लड़कियों के कपड़े को बहुत अजीब से देखता है। इसके बाद दिखाया जाता है नोआ स्टीव से शावर लेने को बोलती है और वो मान जाता है। तभी नोआ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। अब उसकी गलती की वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है और स्टीव सर्जरी करके नोआ का बटक निकाल देता है। नोआ को काफ़ी दर्द होता है। इधर मॉली उसी बारे में जान जाती है, जहाँ नोआ और स्टीव की फर्स्ट डेट हुई थी। मॉली उसके एक्स बॉयफ्रेंड से स्टीव के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता। बस वो ये बताता है कि पेमेंट के लिए स्टीव ने अपना कार्ड यूज़ किया था। मॉली इन्फॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि स्टीव का पूरा नाम बर्डन स्टीव कैंप है, जिसकी एक बीवी एन कैंप भी है। मॉली स्टीव के घर पहुंचती है और उसकी वाइफ से मिलकर सब कुछ बताती है, पर एन उसकी बात नहीं सुनती। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये नहीं हो सकता। इधर स्टीव नोआ के पास जाता है। नोआ बहुत दर्द में होती है। वो स्टीव से कहती है कि जब उसे ऐसा करना था तब उसके साथ इंटीमेट क्यों हुआ। तो इस पर स्टीव बोलता है कि उससे गलती हो गई और वो वहाँ से चला जाता है। तभी पेनी की आवाज़ आती है, जो हिम्मत हार चुकी है, और स्टीव ने उसका पैर निकाल दिया है। नोआ के पास एक बुक पड़ी होती है, जिस पर एक नोट लिखा होता है किसी लड़की का। उस नोट में ये लिखा होता है कि स्टीव को यहाँ की लड़कियाँ बहुत पसंद है और उसे इसी तरह से हराया जा सकता है। इधर स्टीव के घर पर एन मॉली की बातों से मना कर देती है। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और अपना नाम ब्रेंडन बताता है और कहता है कि वो किसी नोआ को नहीं जानता। तभी मॉली नोआ को कॉल कर देती है और उसका फ़ोन स्टीव के पास होता है। तभी एन मॉली को हिट करके बेहोश कर देती है, मतलब वो सब कुछ जानती थी। इधर पॉल को मॉली का कोई रिप्लाई नहीं आता और उसकी लोकेशन भी अनअवेलेबल थी, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद स्टीव नोआ के पास आता है और उसे कुछ कपड़े देता है और खाने के
लिए बुलाता है खाने में। वो नोआ को ह्यूमन मीट देता है, नोआ को काफी टेस्टी लगता है, बट वो ऐसा झूठ बोलती है क्योंकि वो स्टीव का यकीन जीतना चाह रही थी। स्टीव उसे बताता है कि वो 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा है और उसके लिए उसे काफी पैसे भी मिलते हैं। अब स्टीव का थोड़ा झुकाव नोआ की तरफ हो गया था और इधर दिखाया जाता है कि स्टीव एन को कहता है कि आने में थोड़ा लेट हो जाएगा और साथ ही पता चलता है कि एन का भी एक पैर नहीं है। शायद स्टीव ने उसके साथ भी वही किया लेकिन प्यार होने की वजह से उसे नहीं मारा। अब दिखाया जाता है कि स्टीव मीट को काट रहा होता है और बहुत बड़े कंटेनर में लड़कियों के मीट को लेकर निकलता है। इधर वो मॉली की सर्जरी करके उसके चेस्ट से कुछ पार्ट निकाल लेता है। स्टीव नोआ को एक ड्रेस लेकर देता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। नोआ तैयार होकर आती है और स्टीव एन के कॉल मैसेजेस को इग्नोर करता है। वो नोआ के साथ डिनर करता है जहां नोआ उससे काफी हंसी मजाक करती है। स्टीव को लगता है वो बिल्कुल उसके जैसी है। इसके बाद वो उसे उन लड़कियों का सामान दिखाता है जिसे उसने बंदी बनाया था। नोआ उससे पूछती है कि इसमें उसका सामान क्यों नहीं है, तो स्टीव उसे बताता है कि नोआ अलग है, आज तक उसने किसी लड़की के साथ कैंडल लाइट डिनर नहीं किया। नोआ पहली है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। नोआ ये सब कुछ जानबूझ के करती है और तभी वो स्टीव के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है और स्टीव को कमरे में लॉक करके बाकी की लड़कियों को बाहर निकालती है। पर स्टीव अपने को आज़ाद कर लेता है और उन पर हमला करता है। ये लड़कियां मिलकर उसे बहुत मारती हैं और घर के बाहर भाग जाती हैं। तभी स्टीव अपनी गन लेकर आता है। पॉल भी उस लोकेशन पर आ जाता है पर गन की आवाज़ सुनकर वो वहां से भाग जाता है। स्टीव नोआ को पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। तभी मॉली और पेनी वहां आते हैं और उसी गन से उसे शूट कर देते हैं। ये तीनों वहां से भागती है पर नोआ का फोन मटर स्पॉट पे रह जाता है। वो उसे लेने अकेले जाती है और वहां उसे एन पकड़ लेती है और कहती है कि उसने स्टीव को मारकर अच्छा किया, लेकिन अंदर से वो थोड़ा दुखी भी थी, इसलिए वो नोआ को चोक करती है और खुद को बचाने के लिए नोआ कीज को एन के गले में स्ट्रैप कर देती है। एन उसे मारने वाली होती है कि तभी मॉली वहां आती है और एन को जान से मार देती है। अब मूवी के लास्ट पार्ट में एक डिनर टेबल को दिखाया जाता है जहां कुछ फीमेल मीट होता है और कुछ लोग टेबल पे होते हैं और साथ ही हम वहां डेविल सिंबल को भी देखते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।